नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार के दिन शाहरुख खान के ड्राइवर से भी पूछताछ की थी। क्या शाहरुख के ड्राइवर से कोई भी अहम जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल पाई? क्या शाहरुख के ड्राइवर को भी अब केस में शामिल किया जाएगा? इन सारे सवालों पर अब एनसीबी ने चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उन्हें किस तरीके की जानकारी जो है शाहरुख के ड्राइवर से मिली है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार जो है शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा को शनिवार के दिन समन किया गया था। एजेंसी ने घंटों तक उनसे पूछताछ की थी, लेकिन अब जब एनसीबी से पूछा गया कि इस पूरे मामले में क्या शाहरुख खान के ड्राइवर पर भी केस बनेगा, जिस पर उन्होंने कहा कि मिश्रा जो है वो इन्वॉल्व नहीं है इस केस में, उसने आर्यन के लिए ड्रग्स अरेंज नहीं की थी। इसके अलावा आगे जो है अब ये भी बात सामने आ रही है कि अरबाज ने क्या आर्यन के लिए ड्रग्स लाए थे। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एनसीबी है ने कहा है कि अरबाज शेयर्ड सम ड्रग्स विद आर्यन, कि अरबाज ने आर्यन के साथ कुछ ड्रग्स शेयर की थी। हालांकि इस पूरे मामले में जो है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जो चीज़ें फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है, जो एनसीबी को जाँच में मिला है, वो ये है कि अरबाज ने कुछ ड्रग्स जो हैं वो आर्यन के साथ शेयर की थी, और दूसरा जो ड्राइवर है उन्होंने किसी तरह की कोई ड्रग्स जो है आर्यन के लिए प्रोवाइड नहीं कराई है और उन पर किसी तरह का केस जो है फिलहाल एनसीबी ने नहीं बनाया है।